कश्मीर के रामपुर सेक्टर में एलओसी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम, चार आतंकी मारे गए। पुलवामा के त्राल में भी एनकाउंटर जारी, तीन आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज दिल्ली सरकार के तीन घोटालों का करेंगे खुलासा। डेंगू और चिकनगुनिया के नाम पर कपिल ने सीएम अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाए घोटाले के आरोप। पंजाब में हथियारों के गैरकानूनी इस्तेमाल पर पुलिस की सख्ती, असला डीलरों को जारी किया जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। डीजीपी सुरेश अरोड़ा हथियार वर्कशॉप के जरिए देंगे जानकारी। बरनाला में कर्ज के चलते खुदकुशी करने वाले 27 किसानों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद। पंजाब सरकार ने 61 लाख रुपए की दी मंजूरी, किसान यूनियन ने बताया नाकाफी। नहीं रहे सुपर कॉप और पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल, पीएम मोदी और सीएम अमरिंदर सिंह ने भी जताया दुख। अंतिम दर्शनों के लिए दिल्ली आवास पर रखा गया पार्थिव शरीर, रविवार को अंतिम संस्कार। हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू, आज पास किया जाएगा जीएसटी बिल। जीएसटी बिल को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने जताई सहमति। पंचकुला में हरियाणा सरकार करेगी स्वर्ण जयंती पत्रकार सम्मेलन, बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। कैबिनेट मंत्री कविता जैन समेत बीजेपी के कई और नेता रहेंगे मौजूद।